हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश्वर और वापस से हम लोग आ चुके हैं द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ते रहो। यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये छोटी नहीं है। थिंक अबाउट इट, ट्राई अ लिटिल हार्डर टू बी अ लिटिल बेटर। यानी आपको खुद को बेटर बनाने के लिए एक अच्छी कोशिश, ट्राई हार्ड करना चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि आजकल हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता, हक आपको खुद बनाना पड़ता है, अपनी जगह आपको बनानी पड़ेगी। तो खैर, हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम लोगों ने 2 वीडियोस देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा है वीडियो नंबर 1, नेक्स्ट हमने देखा है वीडियो नंबर 2, और आज ये जो वीडियो है ये है वीडियो नंबर 3। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीडियो नंबर 1 की, तो वीडियो नंबर 1 में हमने क्या सीखा, nth टर्म का फॉर्मूला सीखा। वीडियो नंबर 2 की बात करेंगे तो हमने क्या सीखा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला सीखा। और अगर हम आज की इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, और मिक्सअप क्वेश्चन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए। तो an आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, a प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूले से। sn के लिए आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए गए होंगे, कौन कौन से, n by 2 a plus l when last term is given and n by 2 2a plus n minus 1d when common difference first term and number of terms are given। तो चलिए आज चलते हैं इसी थर्ड वीडियो की सीरीज में और यहां से करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पर अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पर आपको आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखें तो यहां पर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द नंबर्स एक्स 2x प्लस के एंड 3x प्लस 6 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट नंबर क्या मिल गया, x मिल गया, यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड नंबर क्या मिल गया, 2x प्लस के मिल गया। और थर्ड नंबर क्या मिल गया, 3x प्लस 6 मिल गया। अब यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन फंडामेंटल कौन सा अप्लाई करना है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी देन ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू बी। ये फंडामेंटल आपको यहां पर क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा अर्थमेटिक मीन का। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो x प्लस 3x प्लस 6 बाई 2 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 2x प्लस के इक्वल हो जाना चाहिए। अच्छा, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि x के टर्म में आएगी, ठीक है। तो यहां से x प्लस 3x ये हो गया 4x प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस k। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2k। यहां से देखें तो 4x किसी को भी ट्रांसपोज करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4x इज कैंसिल्ड विद 4x, 2k की जो वैल्यू आ गई 6 आ गई, और k कितना हो जाएगा आपके लिए प्लस k कितना हो जाएगा आपके लिए पॉजिटिव 3, ठीक। ये हो गया आपके लिए k की वैल्यू। सो ये कितना इजी क्वेश्चन था, यानी यहां पर अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाना था और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज 0। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। वहां पे विच टर्म इज 0, दैट मीन जो nth टर्म है वो 0 हमें लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहां पर a की वैल्यू देखें तो कितनी गिवन है, 21 गिवन है। अगर d की वैल्यू देखें तो कितनी गिवन है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो 18 माइनस 21, डी कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। nth टर्म 0 लेट करना है और आपको फाइंड करना है विच टर्म, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n, ये अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड करते हैं तो अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a प्लस एन माइनस 1d का। a प्लस एन माइनस 1d से ही हमें क्या मिलता है, an मिलता है। a की वैल्यू 21 है, n अपने को फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 है, और an कितना है, 0। यहां से हमें n की वैल्यू लानी है। तो ये हो गया आपने लिए 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 21 प्लस 3 ये हो गया 24, माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0, 3n हो गया 24, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 8।
एन हो गया आपके लिए 8। इसका मतलब द एट्थ टर्म डिजिट में लिख दीजिए, द एट्थ टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज 0। ऐसे ही फर्स्ट निगेटिव टर्म, मिडिल टर्म, ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आगे हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है अपने को, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, दैट मींस कि 7 टर्म्स का अगर आप सम कराते हो S7 तो कितना मिलता है आपको, 49 मिलता है। And that of first 17 terms is 289. अगर आप first 17 terms का sum कराते हो तो 289 मिलता है। आपको find क्या करना है, sum of n terms. आपको find करना है Sn. चलिए देखते हैं क्या आएगा। S7 की अगर बात करें तो S7 कहां से आया रहा होगा, S7 आया रहा होगा n by 2 2a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1 की जगह 6 प्लेस करेंगे is equals to 49। यहां से अगर आप 7/2 को ट्रांसपोज करें 49 के पास तो क्या हो जाएगा, ये 7/2 तो क्या हो जाने वाला है, यहां से 2a plus 6d लिखा हुआ है। या एक काम करिए, यहां से आप अभी 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये लिखा है 7/2, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a plus 3d is equals to 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 अगर उधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो ये हो गया 49/7। यहां से बचा a plus 3d, ओवरऑल देखा जाए अगर तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई है, a plus 3d is equals to 7, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये मिल गया। ठीक सेम ऐसे ही यहां पर S17 को भी सॉल्व करना है, तो S17 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n by 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 289। अब यहां से अपने को कॉमन मिलेगा, 17/2 तो लिखा ही है, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, a प्लस 15 डी बच गया, ये 289 लिखा है, 2 इज कैंसिल्ड विद 2। अब यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर अपने को ये जो 17 है ये 289 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहां से बचा आपके पास a प्लस 15d, और ओवरऑल अगर हम वैल्यू देखें तो a प्लस 15d अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 17, कंडीशन नंबर 2। अब जैसे आप लीनियर को सॉल्व करते हो सेम ऐसे ही सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्या लिखा हुआ, a प्लस 3d, अगर हम इसे यहां पर नोट डाउन करें a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, तो साइन चेंज हो गए, a से कैंसिल, 15 माइनस 3 ये हो गया आपके लिए 12d, 17 माइनस 7 ये हो गया आपके लिए 10, और यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से d की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 10/12 या फिर 5/6। जैसे ही d की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही यहां पर आपको प्लेस करनी है, तो a प्लस 3 इंटू d की वैल्यू हो गई 5/6 इज इक्वल्स टू 7, 3 2 जा 6, a आ जाएगा 7 माइनस 5/2 दैट इज 7/2। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 7/2, d की वैल्यू आ गई 5/6। अब आपको फाइंड करना है Sn, तो Sn फाइंड करने के लिए n by 2 2a plus n minus 1d ये प्लेस करना है। आपने a की वैल्यू कितनी फाइंड करी है, a की वैल्यू फाइंड करी है 7/2, d की वैल्यू क्या फाइंड करी है, d की वैल्यू फाइंड करी है 5/6, प्लेस कर दीजिए n by 2 2a 2 into 7/2 plus n minus 1 into d that is 5/6। यहां से वैल्यू आपके लिए हो गई n by 2, ये हो गया 7 प्लस 5n माइनस 5/6, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं से मिल जाएगा आपको Sn। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी कोई भी कंडीशन अगर आपको गिवन है तो उस कंडीशन के बाद आपको a एंड d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उन्हें ही प्लेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में भी देखने को मिले होंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स नंबर, या हो सकता है ऑल द 2 डिजिट्स नंबर होता, या फिर सिंगल तो नहीं हो सकता, 2 डिजिट्स नंबर होता, या कोई नंबर का गैप दे देता बिटवीन 200 एंड 500, बिटवीन 300 एंड 800, ऐसे कोई गैप्स दे दिए जाएंगे आपको। तो यहां पर फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 9, अगर डिविजिबल बाई 9 की बात की जा रही है तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं।
डिविजिबल बाई 9 कहां से स्टार्ट होता है? 108 से। 108 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 117 आएगा, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अगर हम 3 डिजिट नंबर के लास्ट की बात करें तो 3 डिजिट नंबर का जो लास्ट होता है वो कहां से होता है? 999 से। और ये तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे, दैट मींस आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है? गिवन की अगर हम बात करें तो यहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, a की वैल्यू आपके पास 109, d की वैल्यू 117 माइनस 108, तो ये हो जाएगा 9। nth टर्म an यानी लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हो कितना गिवन है? 999। आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी आपको फंडामेंटल सिखाए गए हैं उन्हीं फंडामेंटल को फॉलो करते हुए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू ए एन। और यहां पर वैल्यूज प्लेस करिए, जब वैल्यूज प्लेस करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 108 प्लस n, फाइंड आउट कर रहे हैं d हो गया 9, ए एन हो गया 999। फर्दर कैलकुलेट कराएंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 108 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 999। 108 माइनस 9 ये आपको बचेगा 99 प्लस 9n इज इक्वल्स टू 999। 99 ट्रांसपोज करेंगे 999 के पास तो 9n इज इक्वल्स टू आ गया 900, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। दैट मीन्स यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे? n इज इक्वल्स टू 100। 100 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि 100 से लेके 999 के बीच एग्जिस्ट करेंगे और क्या होंगे? डिविजिबल बाई 9। यहाँ इसका मतलब है कि 100 टर्म्स टोटल ऐसे होंगे जो 100 से 999 के बीच एग्जिस्ट करेंगे और 9 से डिविजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो लिखा हुआ है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो लिखा है उस इंफॉर्मेशन को पहले हम फॉर्मेट में लिखें, द सम ऑफ फोर्थ टर्म तो 4 हो गया एंड एट्थ टर्म 8 हो गया ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द एपी, अब आपको एपी फाइंड आउट करनी है तो A4 कहाँ से आता है आप बताओ? A4 आता है A प्लस 3D से। A8 कहाँ से आता है? A8 आता है A प्लस 7D से इज इक्वल्स टू 24। ये हो गया 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से हो गया A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये हो गई आपके लिए यहाँ की कंडीशन जो आपने सॉल्व करी। अगर अब यहाँ से देखें तो A6 कहाँ से आएगा? A प्लस 5D से। A10 कहाँ से आएगा? A प्लस 9D से इज इक्वल्स टू 44। यहाँ से हो गया 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। अगर आप कॉमन लोगे 2 तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। अब ये बन गई आपके लिए कंडीशन नंबर 1, ये बन गई आपके लिए कंडीशन नंबर 2। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ से अगर A प्लस 5D को हम इसके पास ले आए तो क्या होगा? यहां से हो जाएगा साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ए इज कैंसिल्ड विद ए, 7 माइनस 5 दैट इज 2D, 22 माइनस 12 10, और डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई आपके लिए? 5 हो गई। डी तो निकाल लिया आपने, अब जब आपने डी निकाल लिया तो डी की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। जब आप डी की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो ए प्लस 5, डी की वैल्यू भी 5 है, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 12। ए प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, तो यहां जो ए की वैल्यू मिल गई वो मिल गई माइनस 13। ए की वैल्यू मिल गई आपको माइनस 13। फाइंड द एपी, आपको फाइंड करना था एपी, तो एपी कैसे फाइंड करते हो? ए से। नेक्स्ट टर्म कहाँ से आता है? ए प्लस डी से। नेक्स्ट टर्म कहाँ से आता है? ए प्लस 2D से। नेक्स्ट टर्म कहाँ से आता है? ए प्लस 3D से। और इसी तरीके से आपकी एपी कॉन्सिक्यूटिव बढ़ती चली जाती है। तो ए कितना है आपके लिए? माइनस 13, तो फर्स्ट टर्म माइनस 13 हो गया। ए प्लस डी तो माइनस 13 प्लस 5 हो गया। ए प्लस 2D तो ये माइनस 13 प्लस 10 हो गया। ऐसे ही कॉन्सिक्यूटिव हमारी एपी इंक्रीज होगी, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हो गई आपके लिए आपकी एपी। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे एपी के जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, और आज हमने इस थर्ड नंबर वीडियो में
क्लियर करें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एपी के कुछ शॉर्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर आपको भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल आपके साथ हमेशा तैयारी से खड़े रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही अपनी गर्मी की छुट्टियां भी इंजॉय करिए और पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू बच्चों।